नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7th की एक्सरसाइज 13.2 करेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई, राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के आंसर को हमने पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 3 रेस टू 3 की पावर 4, 3 रेस टू 8, यहाँ बेस सेम है और पावर्स सारी डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो पावर्स क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे रूल है कि पावर्स प्लस करनी है अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 और 2 6 और 8 14, 3 की पावर 14। सेकेंड है 6 रेज टू 11 डिवाइड 6 रेज टू 10, यहाँ पे डिवाइड का साइन है और बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस डिवाइड के साइन में पावर्स करनी, तो 6 की पावर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है a पावर 3 मल्टीप्लाई a पावर 2, यहाँ बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, पावर प्लस हो जाएंगी। 3 प्लस 2 इक्वल टू a की पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वन है 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, यहाँ भी पावर प्लस आ जाएगी, 7 की पावर x प्लस 2, यहीं छोड़ देंगे कि आगे प्लस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 5 की पावर 2 होल पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 6, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट के अंदर पावर है, बाहर पावर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 5 की पावर 2 3 6 बन जाए, डिवाइड 5 की पावर 6। अब यहाँ पे दोनों बेस हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी डिवाइड की साइन में। यहाँ पे दोनों बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, पावर्स माइनस हो जाएंगी और 5 की पावर 0 आ जाएगा। और 5 की पावर 0 का मतलब किसी की पावर नंबर की पावर 0, तो रिजल्ट 1 रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, यहाँ बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पावर सेम लिखेंगे जो पावर दोनों की है, 10 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन है a रेज टू 4 b रेज टू 4, यहाँ पे भी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको लिखेंगे ab की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू 4 होल पावर 3, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई देंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3 3 की पावर 12। नेक्स्ट वन है 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 20 डिवाइड का साइन है, दोनों बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 15 माइनस करेंगे 20 में से 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 2 की पावर 3, यहाँ बेस सेम है, पावर क्या आ जाएंगी, प्लस आ जाएंगी, 2 की पावर 5 प्लस 3 2 की पावर 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को पावर की फॉर्म में शो करना है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 रेज 3 इसको एज इट इज लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, और 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 2 टू द 4 होता है। नेक्स्ट 3 इंटू
32 के फैक्टर जो है वो की फॉर्म में 5 बनते हैं। करके देखेंगे यहाँ पे 16 8 4 फिर 2 फिर 2 और फिर 1, 2 की पावर 5, 5 2 है यहाँ पे, इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये सारे बेस 3 और 2 की फॉर्म में हो गए। ऊपर जो मल्टीप्लाई में बेस सेम है वो प्लस हो जाएंगे और नीचे जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब 2 बेस यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है, ये प्लस हो जाएंगे और नीचे जो 5 है 2 की पावर वो माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई 3 रेज टू 4, यहाँ पे कुछ नहीं पावर है मीन्स 1 है, तो 4 माइनस 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 2 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर कितना रह जाएगा, 3 2 की पावर 0 आ गया इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 की पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3 रेज़ टू 3। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है, पहले इसकी मेन ब्रैकेट अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 की पावर, ये पावर के ऊपर पावर है, 5 की पावर 6 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 फिर डिवाइड 5 की पावर 7। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स क्या आ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, डिवाइड 5 की पावर 7, 5 की पावर 10 माइनस 7 5 क्यूब आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 5 रेज़ टू 4, इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर 4 लिख लेंगे डिवाइड 5 क्यूब। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 8 डिवाइड 5 क्यूब। अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी और आंसर हमारे पास 5 रेज़ टू 5 आ जाएगा। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही छोड़ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट ज़रूर छोड़ना है कि वीडियो को देखिए आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।